गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज कर्ली मोनिल आप लोगों के लिए लेके आई है एक हेल्दी ड्रिंक। यस, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिशंस ये इसमें कवर करती है जो हम हमारी डेली लाइफस्टाइल में नहीं ले पाते हैं। प्लस ये आपका एक ब्रेन टॉनिक है। आई मीन्स टू, ये काफ़ी ज़्यादा आपके ब्रेन को न्यूट्रिशंस देता है जिससे आपका ब्रेन शार्पर होता है। सो बच्चों से लेके बड़ों तक, स्पोर्ट्स से लेके सारी फील्ड तक, सारे पर्सन्स के लिए ये ड्रिंक काफ़ी हेल्दी है। सो आज कर्ली मोनिल आप लोगों के साथ ये ड्रिंक शेयर करेगी जो मैंने बनाई है पॉपी सीड से। तो पॉपी सीड से इसे कैसे बनाना है, कितना टाइम लगेगा, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। हम 4 to 5 टीस्पून पॉपी सीड्स, खसखस के दाने, जो भी आप इन्हें कहते हैं, वो लेंगे। तो हम सबसे पहले सारे पॉपी सीड्स को 2 to 3 आवर्स के लिए सोक्ड करने के लिए रख देंगे वाटर के साथ। ये जो हम ड्रिंक बना रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर प्रेग्नेंट लेडीज इस ड्रिंक को लेंगी तो दोनों हेल्दी रहेंगे, प्लस जो बेबी है वो काफ़ी शार्प होगा क्योंकि ये ब्रेन टॉनिक है। सो आफ्टर 2 आवर्स जो पॉपी सीड्स हैं वो काफ़ी अच्छे से सोक्ड हो चुके हैं। जितना ये पानी एब्जॉर्ब कर सकते थे उतना इन्होंने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है। नेक्स्ट हम वाटर एंड पॉपी सीड्स अलग अलग करेंगे। नेक्स्ट हम इन सबको ग्राइंड करेंगे। सो हम एक मिक्सी का जार लेंगे एंड उसके अंदर इन सबको ट्रांसफ़र करेंगे एंड इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे। जब तक ये अच्छे से ग्राइंड नहीं हो जाए तब तक हम इसे ग्राइंड करते रहेंगे। सो नेक्स्ट हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे इजीली ग्राइंड हो सके और ऐसा ही हम 2 to 3 टाइम्स भी करेंगे जब तक अच्छे से पेस्ट ना बन जाए। सो लेट्स डू दैट। पॉपी सीड्स अच्छे से रेडी हो गए हैं, अच्छे से ग्राइंड हो गए हैं। नेक्स्ट जो है हम इन्हें एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे फाइबर्स हैं सो ये डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफ़ी हेल्दी रखता है। पॉपी सीड्स के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ एंड कुछ लोगों को स्लीपलेसनेस भी होती है लाइक इंसोमनिया, तो ये उनके लिए भी काफ़ी हेल्दी है। सो ये रेडी है, अब हम इसका ड्रिंक बनाएंगे। सो सबसे पहले एक ग्लास में हमें 2 to 3 टेबल स्पून पॉपी सीड का पेस्ट लेना है। एंड आप इसे जितना चाहें उतना डाइल्यूट कर सकते हैं वाटर के साथ। आप इसमें फ्लेवर्स भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो आप इलायची ऐड कर सकते हैं, सेफ्रॉन ऐड कर सकते हैं और टेस्ट के लिए थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप शुगर ऐड मत करना।
क्योंकि ये वैसे ही काफ़ी टेस्टी है। फिर हमें थोड़ी और शुगर ऐड करके इसे अनहेल्दी क्यों बनाना है। लेट्स मेक वन मोर ड्रिंक, वन फॉर यू एंड वन फॉर मी। सो एक फुल न्यूट्रिशन से भरा हुआ ग्लास रेडी है, एनर्जी ड्रिंक रेडी है, ब्रेन टॉनिक रेडी है। सो आप लोग इन सबको एंजॉय करना। सो एंजॉय द ड्रिंक। बाय बाय। बी क्रिएटिव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ली मोनिल।